हमको तो जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो साइड पे ही दरवाजे के साथ ही चेस्ट ड्रॉअर रखा हुआ है, तो वो मेरा जूता उसमें अटक गया और वो हल्की सी ये वाली लकड़ी चिप हो गई। तो इससे मैं एकदम ट्रिगर हो गया क्योंकि मुझे एक वाकया याद आया। फैमिली फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं, तो बचपन में हम उनके घर बड़े शौक से जाते थे वीकेंड्स पे। तो एक दिन मैं उनके बेड पे बैठा हुआ था और मेरा जूता या मेरी सैंडल अटक गई थी उनके बेड पे नीचे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो वो लकड़ी इस तरह की चिप होके हाथ में आ गई। मैं वो लकड़ी का टुकड़ा लेके आंटी के पास गया और मैंने बोला कि ये मेरे जूते में फंस गया था। उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, चले डांटा सही है, तोड़ दिया, फर्नीचर खराब कर दिया। उन्होंने बोला आइंदा तुम हमारे घर मत आना। इस बात का मेरे दिल पे ऐसा असर हुआ कि वो दिन और आज 30 साल हो गए, मैं आज तक उनके घर दोबारा कभी भी नहीं गया। मिलते हैं कभी महफिल में, मुलाकात हो गई इज्जत से ये वो, मगर वो एज अ चाइल्ड मैंने ऐसी दिल पे ले ली थी वो बात कि वो खैर निकली नहीं कभी। सोचे मैं ऐसा हर्ट हुआ कि परसों चिप हुई है, मैं फिर ट्रिगर हो गया। तो कोशिश ये करें, इस बात का मकसद ये है कि सोच समझ के बच्चों को जो भी डांटा करें सोच समझ, क्योंकि वो जिंदगी भर दिल में ले लेके घूमते हैं। तो प्लीज बी काइंड। सोचे इतनी छोटी सी चीज से मैं ट्रिगर हो गया, तो अब उन बच्चों का सोचे जिनके साथ बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, वो कितना पेन लेके अंदर घूमते होंगे और वो ये चीजें फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। सो बी वेरी वेरी काइंड टू चिल्ड्रन, वो जिंदगी भर के लिए स्कार हो जाते हैं। आपके कल जो स्टोरी डाली मैंने, भाई मेरा इनबॉक्स फट गया, इतना मैसेजेस बंदों का, सारे पढ़ भी नहीं पाया। सबके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ किसी ने ऐसी बात कह दी, दिल में लेके बैठे हैं लोग। हद है यार, बड़ा अब्यूज है। आम आदमी तो था ही, सेलिब्रिटीज इतने मैसेजेस किए, फॉलो करते, मोहब्बत करते, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ भाई। फिर उन्होंने बैरियर्स तोड़े आज बड़े मकाम पे, लेकिन आज भी वो चीज उनको बॉदर करती है। बहुत बुरा सीन है। किसी को मोटा कह के कॉन्शियस कर दिया, किसी को काला बोल दिया, किसी की नाक पे कर दिया कमेंट, किसी को टॉफी नहीं दिलाई, किसी को ज्यादा खाना मांगने पे टॉन्ट कर दिया। इतनी इतनी सी बातें, लेकिन भाई हर्ट करती हैं ये चीजें। बात ये, हम तो हो गए स्कार, अब आपने इससे ये लेसन सीखने कि अगली नस्ल पे ये ट्रांसफर नहीं करना, वरना ये फिर मामला रुकेगा नहीं। और होता ही ये जो अब्यूज होता है बचपन में, बड़ा होके वही अब्यूज बन जाता है। आपने बहुत कॉन्शियस होके बच्चों को अच्छा ट्रीट करना, वरना ये आगे जाएगी।